अगर अभी तक आपको कोई स्मार्टवॉच लेनी होती 2000 के अंदर, आप आइदर बोट नॉइस या फिर फायरबोल्ट को प्रेफर करते। बट ये स्मार्ट वॉच लॉन्च होने के बाद जो केमिस्ट्री है वो कम्प्लीटली बदल चुकी है, एंड आपको एक एम्ब्रेन की स्मार्ट वॉच मिलती है जो कि एमोलेड पैनल के साथ आपको कूलिंग फंक्शन अवेलेबल कराती है अंडर 2000 रुपीज़। एंड मेरे को ये मिली है जस्ट 1700 रुपीज़ में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट कैसे हैं। एम्ब्रेन वाइज ग्लेज का बॉक्स कुछ इस टाइप से मिलेगा, जहां पे आपको एक साइड में मिल जाते हैं की हाईलाइट, पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स लिखे हैं विद ऐप क्यूआर कोड। एंड ये एक टिपिकल एम्ब्रेन का बॉक्स है जो आपको उनके हर प्रोडक्ट के साथ देखने को मिलता है। काफी बड़ा प्रोडक्ट बॉक्स ही है। जहां तक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात है, कुछ भी नया नहीं है। ये मिलती है स्पोर्ट डिटेल्स आपको, मैनुअल के लिए क्यूआर कोड आप यूज करेंगे, एंड ये भी कुछ मैनुअल टाइप का ही है। उसके बाद सीधे आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिलेगी, एंड एक पोको पिन वाला चार्जर जिसके बिना आपकी स्मार्ट वॉच अधूरी है। नजर डाल देते हैं स्मार्ट वॉच पे, क्योंकि यार 2000 में काफी कमाल कर दिया एम्ब्रेन ने। एमोलेड डिस्प्ले के साथ आपको ये स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है विद कूलिंग फंक्शन। तो नीचे की तरफ स्टिकर है, रिमूव करेंगे, ऊपर वाला स्टिकर भी रिमूव करते हैं। एम्ब्रेन की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्ट्रैप की क्वालिटी ठीक है, अगेन यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रांडिंग है, मेटल का एक बकल यहाँ पे दिया गया है, एंड ऑफ कोर्स रिमूवेबल स्ट्रैप है। पीछे वाला पोर्शन प्लास्टिक, स्पीकर्स अगेन ब्रांडिंग, माइक्रोफोन भी यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है। 3 डिफरेंट सेंसर्स, चार्जिंग पिन्स, सिंगल बटन, क्राउन बोल सकते हैं, एंड हैप्टिक फीडबैक आपको मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए ये एप्लीकेशन रिक्वायर है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं दो ऑप्शन बेसिकली पेयर करने के लिए आपका स्मार्ट वॉच। आइदर आप क्यू आर कोड यूज कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मली इसको मैनुअली ब्लूटूथ सेक्शन में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड विद इन ए मिनट ये आपके स्मार्टफोन के साथ साथ ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाती है। कुछ सेटिंग्स एंड परमिशन यहाँ पे अलाउ करने पड़ेंगे आपको। जहां तक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात है, मेरे को कहीं भी डिफरेंट नहीं लगा कि एम्ब्रेन की टिपिकल स्मार्ट वॉच से। तो अगर हम प्रोडक्ट की यहाँ पे बात करते हैं, काफी कमाल का है, क्योंकि यार इस बजट पे आपको ढेरों सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको करीबन 4000 रुपीज पे भी कई बार देखने के लिए नहीं मिलते। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले क्वालिटी से। तो इसमें आती है 1.78 इंचेस की एक एमोलेड डिस्प्ले विद 368x448 का रेजोल्यूशन। जी हाँ, ये एमोलेड पैनल है, एंड आपको मिलती है 60Hz का रिफ्रेश रेट विद डिसेंट आउटडोर ब्राइटनेस। एंड AOD तो मिलेगा ही मिलेगा, दो ऑप्शन मिलते हैं AOD के, आपको एनालॉग एंड डिजिटल में से चूज कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे। जहां तक रेज टू वेक वाला फंक्शन है, तो रेज टू वेक वाला फंक्शन विद AOD भी वर्क करता है। काफी सारी ऐसी स्मार्ट वॉच है जो एमोलेड ऑफर करती है, बट AOD के साथ उनका रेज टू वेक फीचर वर्क नहीं करता। बट इवन दो दिस प्राइस इट्स वर्क लाइक ए चार्म। डिस्प्ले में नेक्स्ट पोर्शन है इसकी टच रिस्पॉन्स या यूजर इंटरफेस की बात करूं तो इसका जो यूजर इंटरफेस है वो मेरे को एक टिपिकल फायरबोल्ट जैसी वॉच का लग रहा है, कहीं भी उससे डिफरेंस नहीं है। जहां तक स्मूथनेस की बात है, काफी अच्छे रूप से इसकी UI वर्क करके आप लेफ्ट टू राइट स्वाइप कर सकते हैं, एंड एड कंपोनेंट का आपको ऑप्शन आ जाता है जहां पे आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। देन अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो आपको क्विक मेन्यू का ऑप्शन मिलता है जो आप यूज कर सकते हैं, वो चेंज भी कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस में जाने के लिए आपको बटन का यूज करना पड़ेगा, जहां से आपके सारे फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। वहां पे देख सकते हैं कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, एंड UI मेरे को स्मूथ लगा, कोई भी इतना एक्सीडेंटल टच नहीं है, एंड काफी बड़े रूप से वर्क कर रहा था। डिस्प्ले वाला सेक्शन मेरे को काफी पसंद आया, एंड इसके जो सभी फीचर्स हैं बड़े रूप से वर्क कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेल्थ सेंसर वाइज, तो हेल्थ सेंसर वाइज दो सेक्शन मैंने डिवाइड किए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ स्पोर्ट मोड, दूसरा जो हेल्थ सेंसर यहाँ पे प्रेजेंट है वो। बात कर लेते हैं स्पोर्ट मोड के बारे में पहले। 100+ स्पोर्ट मोड देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको 3-4 हज़ार रुपए स्पेंड करने के बाद भी आपको AOD मिल गया, बढ़िया डिस्प्ले मिल गई, बट स्पोर्ट मोड पे हल्का फुल्का आपको कॉम्प्रोमाइज देखने के लिए मिलेगा। बट एम्ब्रेन की स्मार्ट वॉच में वो चीज नहीं है, आपको 100+ स्पोर्ट मोड मिल जाते हैं, बट थोड़ा सा कैच है, आप इतने स्पोर्ट मोड सेव नहीं कर पाएंगे। एक टाइम पे आपको लिमिटेड नंबर पे ही रहना पड़ेगा, करीबन 10-20 स्पोर्ट मोड ही आप अपनी प्रेफरेंस वाले चूज कर सकते हैं। अगर हेल्थ सेंसर के बारे में बात करूं तो बेसिक हेल्थ सेंसर हार्ट रेट SpO2 के अलावा यहाँ पे आपको ब्रीथ ट्रेनिंग मिल जाएगा, एंड साथ साथ स्ट्रेस मॉनिटरिंग मिल जाएगा। तो SpO2 जो टेस्ट होता है वो होता है सॉफ्ट पार्ट पे, जैसे कि फिंगर वगैरह पे जो ऑक्सीजन मीटर होता है वो लगा के टेस्ट होता है। मैंने भी ऐसे ही टेस्ट किया, जो रिजल्ट थे वो मेरे को काफी अच्छे लगे, 98% एक्यूरेसी के साथ ये वर्क कर रहे थे। हार्ट रेट की बात है, हार्ट रेट भी काफी बढ़िया एक्यूरेसी के साथ वर्क कर रहा था, एंड सेम गोज विद इसका स्ट्रेस मॉनिटरिंग। तो
जो हेल्थ डेटा है वो बढ़िया रूप से वर्क कर रहा था, इंक्लूडिंग स्टेप काउंट। कई बार स्मार्ट वॉचेस जो है आपके स्टेप काउंट में दिक्कत दे देती है, बट इस वॉच के साथ वो दिक्कत नहीं थी, वो भी आपको एक्यूरेसी काफी अच्छी मिलती है। अब आते हैं इसके एड ऑन पार्ट पे। एड ऑन पार्ट विच मीन जो एडिशनल आपको मिलता है, जैसे कि कैलकुलेटर का फंक्शन, जी हाँ वो फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिल जाएगा, वेदर अपडेट आपको मिल जाता है, आप चेक कर सकते हैं कुछ अपकमिंग डेज की वेदर वगैरह। देन पासवर्ड प्रोटेक्ट आप अपनी स्मार्ट वॉच को रख सकते हैं। देन आप AI असिस्टेंट भी इस स्मार्ट वॉच में यूज कर सकते हैं, जो अगर आपका फोन गूगल सपोर्ट करता है तो गूगल, एंड सीरी सपोर्ट करता है तो सीरी, वो फीचर मिल जाएगा। प्लस दो गेम का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, तो आप टू गेम्स खेल सकते अपने, एंड गेम खेलते टाइम भी आप थोड़ा सा एंजॉय करेंगे क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाती है। उसके बाद वर्ल्ड क्लॉक हो गया, स्टॉप वॉच हो गई, तो इस टाइप के फीचर हैं। बट एक एड ऑन फीचर यहाँ पे है इमोशंस का, आप अपने इमोशंस चेक कर सकते हैं। बट मेरे को एक ही डेटा मिल रहा था बार बार, आई डोंट नो क्यों, बट हाँ वो चीज ट्रूथ है। अब आते हैं मेन सेक्शन पे, जिसका बेसब्री से वेट कर रहे थे, इसका कॉलिंग पार्ट। तो जी हाँ ये कॉल सपोर्ट करता है, कॉल के साथ आपको 3 क्विक रिप्लाई भी मिल जाते हैं। इन केस आपको कॉल पे रिप्लाई नहीं देना, लाइक बात नहीं करना है, तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या फिर वो क्विक रिप्लाई का यूज आप कर सकते हैं। जहां तक इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी की बात है, माइक्रोफोन मैंने आउटडोर में टेस्ट किया, रिजल्ट आपके साथ है। तो गाइस ये जो है माइक टेस्ट है एम्ब्रेन के स्मार्ट वॉच का, रिस्ट पे वॉच है कैसी साउंड आ रही है आउटडोर कंडीशन में। एंड अगर इसको मैं माउथ के पास लेके आता हूँ, जस्ट नियर टू माई माउथ, एंड ये साउंड क्वालिटी, माइक्रोफोन क्वालिटी आप मेरे को बता सकते हैं अच्छी है नहीं है। तो इवन दो आउटडोर कंडीशन में भी एम्ब्रेन की ये स्मार्ट वॉच का माइक्रोफोन बढ़िया रूप से वर्क कर रहा था, मेरे को एक्यूरेसी देख के एंड सुन के काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट है वो लगे, एंड आप इसको लेने के बाद कहीं भी रिग्रेट नहीं करेंगे। जहां तक इसके स्पीकर की लाउडनेस की बात है, तो ये आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा ब्लूटूथ सेक्शन से, एंड वहां पे आप अपने फोन को फोन से जो भी म्यूजिक वगैरह वो यहाँ पे सुन सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो फीचर भी दिया गया। स्पीकर की लाउडनेस भी डिसेंट आपको मिल जाएगी। तो अब आते हैं एक पार्ट पे जहां पे आप कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, कुछ नहीं होंगे। बात करते हैं कि इतना चीप ये कैसे रखा गया है। तो काफी अदर ब्रांड है यार जो अपना प्रॉफिट ज्यादा देखते हैं, लाइक कंज्यूमर से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, एंड मेड इन चाइना होते हैं। तो ये वॉच भी मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया नहीं है, बट ब्रांड ने प्रॉफिट थोड़ा से जो है कम किया, जिसकी वजह से आपको एडिशनल एंड बेटर बेनिफिट्स मिल पाए लेस प्राइस। तो इस वजह से ये वॉच आपको स्लाइटली चीपर देखने के लिए मिलेगी, एंड विद बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट में। तो गाइस आपको ये रिव्यू वीडियो कैसा लगा वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इन केस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।